भारी रेगिस्तान, घने जंगल, नोकीली पहाड़ियां और खाली जमीन। आप हैरान हो जाओगे जानकर दोस्तों कि आज एक ही दिन में हम ये सब देखेंगे यहाँ मंगोलिया में। बिल्कुल बादल के अंदर से फ्लाई करना पड़ रहा है हमें। हेलीकॉप्टर बहुत हिल रहा है। ओह, इससे पहले कभी इतना हिलता हुआ नहीं देखा मैंने। पायलट को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लैंड कर ले। पायलट ने कहा कि उसके लिए सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं है, हमें यहाँ बैठ के ज़्यादा खतरनाक लग रही है, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर से अब 1200 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बड़ी ही स्पेशल नदी है इनकी, जो लोकेटेड है जाव खान प्रोविंस में। अब आ गए हैं हम इनके रेगिस्तान में। हेलो, एक और बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये देश बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, हार्डली लोग यहाँ घूमने आते हैं। इस नदी का नाम है मोहोट रिवर और ये नदी इसके पास से गुजरती हुई वहाँ दूर सैंड ड्यून्स में जाती है और उस बड़े से सैंड ड्यून का नाम है मंगोल सैंड्स। वाओ, यू आर आल्सो रेडी। ट्रेडिशनल मंगोलियन जूली ने भी अब ट्रेडिशनल मंगोलियन ड्रेस पहन ली है। इट फिट्स द डेजर्ट सो वेल। दूर वहाँ घोड़े आ रहे हैं ढेर सारे, हमारे लिए ही आ रहे हैं ताकि इन घोड़ों पे बैठ के हम थोड़े लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकें। यू वांट टू टेक योर स्किन कलर्स हॉर्स? दिस वन। थोड़े डेलिकेट से हैं यहाँ के घोड़े। यह हॉर्स इज अ वेरी यूनिक कलर। मंगोलियन घोड़े की सवारी पर आगे चलते हैं। तो मंगोलिया एक आई एम होल्डिंग ऑन, डोंट वरी आई वोंट। मंगोलिया एक बहुत ही वैरायटी भरा देश है। कहां हम पहाड़ियों में थे, बर्फ थी, और अब कुछ ही घंटे हेलीकॉप्टर में चल के हम रेगिस्तान के पास आ गए हैं। कहीं पर ग्रास की फील्ड्स हैं, कहीं पर फॉरेस्ट हैं, सब कुछ है इस देश में और हर जगह जबरदस्त लैंडस्केप्स। वाटर ऑल्सो सच एन एडवेंचर। ऐसी जगह आज तक मैंने कभी नहीं देखी जिंदगी में, बहुत बहुत यूनिक। इन घोड़ों को जैसी थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ो, ऐसे खाना शुरू हो जाते हैं जैसे कभी खाना मिला ही ना हो इन्हें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि जो पानी यहाँ बह रहा है ये पानी जमीन से आ रहा है, कहीं ऊपर किसी नदी से नहीं आ रहा, जमीन के अंदर से ही निकल के यहाँ चारों तरफ बह रहा है। यही इस नदी की खास बात है, ये नदी किसी ग्लेशियर से बहनी शुरू नहीं होती बल्कि इन सैंड ड्यून्स के नीचे से बहनी शुरू होती है, बड़े ही साइलेंटली। टूर गाइड से एक मंगोलियन गाना गाएंगे। इन्होंने कहा ज्यादातर टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो एक्चुअली में खुद मंगोलियंस ही होते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए यहाँ तक आना आसान काम नहीं है। इस हेलीकॉप्टर शॉट से आप बड़े अच्छे से देख सकते हो जिस पॉइंट से नदी बहना शुरू हो रही है। ये सैंड ड्यून 400 मीटर ऊंचा है।
एक दूसरा स्टॉप ओवर कर रहे हैं हम हेलीकॉप्टर को दोबारा से रिफ्यूल करने के लिए। इस बार ये एयरपोर्ट का नाम है ऑटगॉन टेंगर एयरपोर्ट, और पीछे जो नजारा दिख रहा है ऐसा लगता है पूरा विंडोज का बैकग्राउंड हो। ये मंगोलिया का ट्रेडिशनल गेम ऑफ फॉर्च्यून है और मेरे हाथ में चार डाइस जैसी चीजें हैं। मैं इन्हें थ्रो करता हूँ तो एक एक जानवर आता है और उसके बेसिस पर मैं कोई विश मांगता हूँ, फिर मैं डाइस थ्रो करूंगा तो जो आया उसके बेसिस पर यहाँ लिखा हुआ है कि विश पूरे होने के कितने चांसेस हैं। It's not going to happen to you, but someone else will get the benefit. Maybe me. Okay. But I wish for world peace. Yeah, others, yeah. Because they're... Yeah, then it's good. तो आज का आखिरी स्टॉप है एक लेक जिसे इन्होंने नाम दिया है ब्लैंक। और इस लेक के पास बढ़िया से सैंड ड्यून्स दिखते हैं और पीछे ग्रीन कलर की पहाड़ियां। ये एक फ्रेश वाटर लेक है रेगिस्तान के बीचों बीच, यानी इसका पानी पीने लायक है। कभी इमेजिन नहीं किया था कि मंगोलिया में ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे कि रेगिस्तान का एक सैंड ड्यून ऐसा लग रहा हो कि जैसे समुद्र के अंदर बह रहा हो। एक ऐसा पॉइंट जहां पे डेजर्ट और लेक का पानी एक दूसरे से मिलते हैं। क्या बढ़िया लोकेशन पे इन्होंने हमारे लिए स्नैक्स ले आउट किए हैं, थोड़ा यहाँ चिल करके खा सकते हैं। दिस लेक, वाओ। फ्रूट्स लुक्स वेरी गुड। सिर्फ कुछ आधा घंटा दूर आए होंगे हम और एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप यहाँ देखने को मिल रहा है। रॉकी पहाड़ियाँ और ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी कंट्री में ही आ गए हो। The landscapes here in Mongolia have been amazing, so unique, like on a different planet, and just breathtaking. Beautiful countries. Very much, and you don't really know about it because there's not so much about it on the internet, but. Yeah. And there's no one else around. It's just our group. Every place that we go to, there's no one. Except our group. इन खाली सी पहाड़ियों के बीच आवाज एक जबरदस्त तरीके से एको भी करती है। दिखाता हूँ आपको। मंगोलिया! इसके ज्यादा करीब जा नहीं सकते क्योंकि एक बहुत ही बड़ी क्लिफ है यहाँ। बड़े आराम से टूट सकती है अगर ज्यादा एज पे चले गए तो। It's really going on the river. Oof. और फाइनली 14 घंटे के दिन के बाद हम लैंड किए हैं उस जगह पर जहां आज रात हम सोने वाले हैं। आसपास का नजारा देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कैंडिनेविया में आ गए हो। ये जगह रशिया मंगोलिया बॉर्डर के बड़ी करीब है, यही कारण है कि यहाँ का लैंडस्केप एक बार फिर से पूरी तरीके से बदल चुका है। ये ट्रेडिशनल मंगोलियन कॉस्ट्यूम, क्वीन कॉस्ट्यूम, क्वीन जो रानियां हैं यहाँ पर वो इस तरीके से ड्रेस करती हैं, करती थी। लगता है ये हमारा कमरा होने वाला है रात के लिए। क्या कमाल की इमारत बना रखी है।
your option. Wow, it's a whole apartment. और इस अपार्टमेंट में ये छोटा सा लेकिन काफी कंफर्टेबल सा कमरा हमें दिया है। इसमें एक कमाल की बात मुझे ये लगी कि कोई एसी या हीटर कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर का टेम्परेचर बहुत बहुत कंफर्टेबल है। बाहर काफी ठंड है और बिना हीटर के भी यहाँ पे बड़ा अच्छा सा कर रखा है। And in the background, there's cameras. Oh, one, two, three. Welcome to Big Boss. इस होटल का नाम है डबल लेक रिजॉर्ट और यहाँ बहुत से ट्रेडिशनल गाने और ट्रेडिशनल डांसेस इन्होंने हमें दिखाए अपने मंगोलियन कल्चर के। मंगोलिया में ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल बुद्धिज्म में मानते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से और रिलीजन्स भी पाए जाते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अलावा एक बड़ा खास रिलीजन जो यहाँ देखने को मिलता है वो है शामनिज्म, एक बड़ा पुराना रिलीजन जो बिलीव करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ ये जो डांस आप देख रहे हो ये इन्हीं शामन्स का डांस है। मंगोलिया में एक बहुत ही अनोखा ट्रेडिशन है थ्रोट सिंगिंग का। यहाँ पर जो लोग अपने कल्चरल कुछ गाने गाते हैं वो अपने थ्रोट से गाते हैं। तो ये मेरे साथ एक इनके थ्रोट सिंगर बैठे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स बोलता हूँ। इट्स टू pitches कमिंग एट वंस। या ये भी आते हैं और खत्म हो गए तो यूं को यूं बना ना यूं को यूं को ना।